हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी का व्यू किस तरह रहने वाला है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कल जो है टेलीग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेज आए कि इससे रिलेटेड कि सर यहाँ पे निफ्टी का क्या अभी आप लोग अपमूव देख सकते हो या नहीं देख सकते, तो उससे रिलेटेड मुझे लगा कि आप लोगों की एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि निफ्टी का देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट जोन जो यहाँ पर मार्क किया था, यहाँ से ही प्राइस ऊपर गया। ठीक है, इस लेवल पे अगेन इस लेवल पे एक होल्ड कर रहा है। ठीक है, जो अगर आप किसी में से जो पैटर्न वगैरह फॉलो करते तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे, या फिर वो इसको जो है इसका वीक का हाई में और इसका वीक का लो में इसका कदर रखेंगे, और उनको लगता है कि जिधर भी साइड मूवमेंट करेगा उधर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो देखिए, मेरा जो है आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट जो है 14,700-800 पे ही मेरा लेवल है, तो यहाँ पे मेरे को पूरा पूरे चांसेस यही लगता है कि आप नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा बना हुआ है, इसी वजह से उसका ऊपर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो हम लोग का देखिए, निफ्टी कहीं भी जाए हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन होता है कि आपका लेवल जो है सही होना चाहिए। अगर आपका लेवल का मार्किंग सही है तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आप इन बिटवीन उसमें जंप करेंगे, जैसे आप कहते हैं ना चलती ट्रेन पे पकड़ना चढ़ना या फिर कुछ भी होना, तो वहाँ पे जैसे रिस्क होता है यहाँ पे भी आपका सेम रिस्क होगा। कभी भी करंट प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने का मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आप बिगनर हो। जब आपका एक बार हैबिट हो जाए, आपका एक अच्छा ग्रिप हो जाए, तो जाके आप इसमें करंट मार्केट प्राइस से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो एज ए बिगिनर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि मार्केट पे अभी जो भी चल रहा है आप वहाँ पर डायरेक्टली कूद पड़ो। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि तो क्या करना चाहिए अभी। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ। इन लाइंस को हटा देने के बाद आपको देखिए एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगा। जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया और आपको मैंने बता भी दिया था कि 14,700 से लेके 800 तक का मुझे एक अच्छा जोन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा। वरना वहाँ पर मैं कुछ भी प्लान नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए प्राइस अभी जो है इस लेवल से प्राइस देखिए 18,125 के हिसाब से बहुत नीचे प्राइस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको सेल करने के लिए बैठूँगा तो यहाँ पे मे भी हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको और पेशेंटली वेट करना चाहिए। देखिए, जब तक आप पेशेंटली वेट नहीं करोगे कोई भी लेवल का या फिर किसी भी चीज़ का, तो आपको जो है वहाँ पे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। उसके हिसाब से आपको जो है हमेशा अपना ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ नज़र हम लोग डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं कि क्या हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया था कि क्या करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा और एक बार नज़र डाल देते हैं। तो ये तो FACT था, FACT का तो ऑलरेडी जो है मूवमेंट दे चुका था, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपको चार्ट लेके चलूँ FACT, ठीक है, तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह का एंट्री सेट किया था। तो बस थोड़ा सा ही लो ही मारा, बट मैं वेट कर रहा था कि देखिए मतलब क्या ही बोलूँ, 82 का लो मारा था, 78.20 का मेरा जो है एंट्री था। यहाँ पे आप देख सकते हो 78.20 पे, तो वहाँ पे नहीं आया, बट एनीवेज कोई बात नहीं, अभी तक ये जो हमारा एंट्री वैलिड ही है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से मूव चला गया तो यहाँ पे और मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पे एंट्री मिलेगा आपको डेफिनेटली, आपको बस वेट करना है। ठीक है, बट मैं वेट कर रहा था कि और थोड़ा सा अगर लो मारता तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, बट एनीवेज लॉस नहीं हुआ है, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग को अभी जो देखना है दूसरा स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। मैच डॉग का थोड़ा सा यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया है, हम लोग चेक करते हैं। देखिए, SL हिट नहीं होता क्योंकि ये एक बाइंग लेवल था। ठीक है, बट मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में आप देख ही सकते हो, बट यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि 242 पे आप बाय कर सकते हो। चलिए 242 एक बार मार्क कर लेते हैं, कहाँ है, हाँ देखिए 242 एक बार मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टॉप लॉस का, तो यहाँ पे 235 समथिंग मैंने यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, 235 समथिंग यहाँ पे देख मार्क कर देते हैं। तो
ये देखिए 235 हो गया, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक रिकवरी कॉल दे दूंगा जल्दी से जल्दी ग्रुप में, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बस SL हिट किया बट यहाँ से अप चला गया, बट यहीं पे अभी रेंज पे घूम रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका भी हम लोग दोबारा से रिकवरी कर लेंगे, ज़्यादा लॉस तो हुआ नहीं है। मैंने उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाला था, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें होती रहती है, बस आपका मेन मोटिव क्या रहना चाहिए। अगर आप कोई भी 10 ट्रेड कर रहे हो या फिर 10 आपने प्लान किया कि मुझे ये ट्रेड करना है, आपका मैक्सिमम जो है कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आपका देखिए, अगर आपका एक्यूरेसी 50% भी है ना, तो आपका अगर टारगेट 1:2 भी अगर रखते हो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, तो भी आप प्रॉफिटेबल में ही हो। बट एनीवेज मेरा तो वैसा कुछ सीन नहीं है अभी फ़िलहाल, जो है मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तक आपका एक्यूरेसी अगर 70-80% भी आ जाता है ना, तो 1-2 स्टॉप लॉस होने से भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरा स्टॉक पे, हम लोग चलते हैं डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प को तो आपको पता ही होगा, ये जो कॉल मैंने जून 16 को प्रोवाइड किया था अपने रिसर्च के मुताबिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इसका अच्छा खासा हम लोग को मूवमेंट दे चुका था। आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो, एक बार मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ डेल्टा कॉर्प के बारे में, ठीक है। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे ही हम लोगों ने इसको एंट्री सेट किया था। अगर आपको मैं इसमें एक बार मार्किंग दिखा दूँ, ठीक है, 163.20 आप देख लो इसको, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है मल्टी स्क्रीन पे अच्छे से दिख सके और टाइम भी थोड़ा कम लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 163 पे मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था 163.20 पे, ठीक है। एक्यूरेट तो नहीं आएगा एनीवेज, ठीक है। देखिए 163.20, और यहाँ पे देखिए कोई भी एडिटेड वगैरह नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट कर देते हैं और देख बोलते हैं कि टारगेट हमारा हिट हो गया। मैं वैसा वैसा नहीं है भाई, सिंपल है, बस जो है ठीक है। आपके सामने स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था ये 163.20 पे, आप देख सकते हो जून 16 को था, लगभग टाइम था 2:46 पे, ठीक है, जून 16 को। अभी ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, ठीक है। ये जून 16 को मैंने यहाँ पे कॉल दिया था। नेक्स्ट देखिए किस तरह का जो है इस बड़ा कैंडल को यहाँ में हम लोगों ने अचीव, मतलब पूरा ही पूरा इस कैंडल को हमने कवर अप किया। ये चीज़ को देखिए, ये देखिए जो डेल्टा कॉर्प का था, हम लोगों ने 180.10 का टारगेट सेट किया था और 187 का हम लोगों ने रखा था हाई, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको देखूँ, ये देखिए जो इसका हाई है 187.40, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, इस कैंडल का जो हाई है 187.40, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या सेट किया है 187। तो लगभग मेरे 1, 2, 3 टारगेट एक ही दिन में हिट हो गए। और यहाँ पे डेल्टा कॉर्प देखो 163 से 187 चल गया उस दिन। आप देख सकते हो किस तरह का जो है यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरा स्टॉक पे, आई गेस आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी दूसरा स्टॉक पे चलते हैं, IOLCP, ठीक है। तो ये स्टॉक पे अगर हम थोड़ा सा नज़र डाल दें, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ इसका जो है एंट्री जो था 316.90, मतलब 316.90 पैसा पे हम लोगों ने एंट्री सेट किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पहला टारगेट रखा था 340, 364, 389, जो कि आज ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो। एक बार फिर से आप देख लो, 316.90 पे यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए दिया था, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ पे एक बार मार्क भी कर देता हूँ, इसी कैंडल को ही यहाँ पे एडिट कर देते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल को ही एडिट कर देते हैं, 316.90, ठीक है। यहाँ के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री दिया था, ठीक है, और स्टॉप लॉस समथिंग मैंने यहाँ पे दिया था, एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए 293.30 यहाँ पे देखिए कोई एडिट नहीं हुआ, ये भी जून 16 को ही रिसर्च कॉल आया था, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, 293.30 है ना, 0.30, एक बार हमारा स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ था हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट समथिंग हम लोगों ने यहाँ पे पहला टारगेट सेट किया था 340, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कितना इसका हाई गया है। देखिए इसका हाई गया है 337.35, लगभग और 3 पॉइंट के लिए टारगेट वन मिस हो गया,
बट एनीवेज आप इसको देख सकते हो यहाँ पे 316 से 337 जाना, वो भी इक्विटी में, बहुत बड़ी बात रहती है। देखिए कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दो रुपया मूवमेंट हो गया तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। एक अच्छा लेवल चुनो, वैसा लेवल चुनो कि आपको एटलीस्ट भाई कोई भी स्टॉक में अगर तीन डिजिट का स्टॉक है तो कम से कम वो 7-8 रुपये तो मूवमेंट दे ही दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर स्टॉक में मूवमेंट हो, बट उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो ये मेट्रोपोलिक भी जो है आज शायद ट्रेड चल रहा है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। मेट्रोपोलिस या पोलिक पता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हो, बट हाँ एक और एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे एक मतलब इस वाले पॉइंट पे मैंने एंट्री दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे SL हिट हो गया, बट नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो गया। तो मार्केट सेलिंग के वजह से जो यहाँ पे SL हिट हो गया, वरना इसमें भी हम लोग का अच्छा प्रॉफिट होता। तो ये हो गया हम लोग का टेलीग्राम का स्टोरी, ठीक है। तो अगर आप जो है इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको बस एक मेरे अंडर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे ये मिल जाएगा, ओपन डीमैट अकाउंट यूजिंग द गिवन लिंक बिलो, ये आपका लिंक है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज विजिबल आएगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन माई इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, ना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, ना यहाँ पे कोई मंथली जो एनुअली जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा। और इसमें अगर आप डिलीवरी बेस पर करते हो ट्रेड, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। ये तो प्लेटफॉर्म रिलेटेड वेब वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया कि यहाँ पे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसका जो है डिटेल्स में वीडियो जानना चाहते हो कि धन का प्लेटफॉर्म क्या है क्या नहीं, आप इस वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो पे मैंने फुल इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको वीडियोज़ के मैसेजेस आपको कैसे पता चलेंगे भाई क्या मैंने कौन सा रिसर्च डाला है कौन सा नहीं डाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई लोग टेलीग्राम पे भी मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि सर जो आप टेलीग्राम पे रिसर्च शेयर करते हो उसको यूट्यूब पे भी डालो। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो है 500 आप देख रहे हो ना, ये 500 मतलब कि 500 स्टॉक्स है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक साथ काफ़ी जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, उसके हिसाब से फिर मुझको मतलब अपना ग्रुप पे भी बताना रहता है। और दूसरा बात होता है कि यहाँ पे वीडियो अगर मैं एक एक ठो बनाने जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बस कोई सिलेक्टिव वीडियो अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का, देखिए ये जील भी अच्छा गया था, बायोकॉन भी अच्छा गया, ठीक है ना, और IB रियल स्टेट भी अच्छा गया। तो ये काफ़ी जो मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे वीडियो को बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम, हमारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ 1,000 मेंबर्स के लिए ही फ्री है, बाकी लोगों के लिए जो है वो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर आप लोगों को अगर मिला सपोर्ट मिला तो इसको हम लोग लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ भी दिखा दें तो ये ना मतलब एक अलग सा खुशी लगता है, लाइक आप मतलब कोई भी स्टॉक अगर आप चूज़ करते हो और वो टॉप का स्टॉक का नाम दिखता है तो कितना अच्छा लगता है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने IOLCP जो है हम लोगों ने यहाँ पे, देखिए आपको मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जो यहाँ पे मैंने IOLC का रखा हुआ था, और ये जब आपके टॉप गेनर में मतलब अच्छा था ना कि 400 स्टॉक्स में से या फिर 500 स्टॉक्स में से यहाँ पे आपको एक जो आपने चुना हुआ था वो स्टॉक आप पे दिख जाता है टॉप 10 मतलब टॉप गेनर्स में, तो वो फीलिंग अलग ही लगता है ना। तो इस तरह का जो है मतलब हर स्टॉक्स पे अगर आपने देखा होगा तो इस तरह नेगेटिव मार्केट में गेनर्स में हम लोग का डेल्टा कॉर्प भी एक बार आया था, है ना, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आया था, बट हालांकि वो स्टॉप लॉस दे के आया। तो इस तरह का जो है मतलब अच्छा लगता है देख के कि हाँ भाई हम लोग का जो एनालिसिस है, ठीक है, हम लोग का जो ट्रेडिंग है वो सही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो बस ये था, इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोगों से बात करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग
नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है वीडियो बनाने का, मतलब कोई भी ट्रेड करने का, तो उसमें पे आपको मैं वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे क्या है प्राइस एक्शन उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप अभी तक जो अकाउंट ओपन नहीं किए हो, आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, आप इसको ही क्लिक करना, कोई दूसरा लिंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी को ही क्लिक करके आपको धन पे अकाउंट ओपन कर देना, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो ना, तो एटलीस्ट आपको रिसर्च बेसिस के लिए आपको ये रख लेना चाहिए, ठीक है। तो बस मिलते हैं यार अगली वीडियो पर, तब तक ख्याल रखिएगा, गुड बाय।